बहुत से डेटिंग एप्स के बारे में सुना होगा। आजकल इसका क्रेज खासकर यूथ में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। अभी हाल ही में लोगों में एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप ग्लिडर ने एक रिसर्च की है जिसमें भारत के शादीशुदा लोगों को लेकर काफी हैरान करने वाली बात सामने आई है। भारत में अब लोग शादी से डेट करने की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। जी हाँ, ऐसी बातें एक स्टडी के नतीजों में सामने आई हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भारतीय शादीशुदा जोड़ियां एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं हैं? आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जिसके कारण भारत के शादीशुदा लोग डेटिंग की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं? क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए पूरी वीडियो देखें। ग्लिडर ने शादी बेवफाई सांस्कृतिक मानदंडों के प्रति भारत के बदलते नजरिए पर एक स्टडी की है। इस स्टडी में 25 से 50 साल के बीच के टियर 1 और टियर 2 शहरों के 1503 शादीशुदा भारतीयों को शामिल किया है। रिसर्च में ये बात सामने आई है, 60% से अधिक लोग डेटिंग के गैर पारंपरिक तरीकों को अपना रहे थे, जैसे कि स्विंगिंग, यानी इसमें पार्टनर्स मनोरंजन के लिए एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। रिसर्च के नतीजों में ये बात भी सामने आई है कि भारत में ओपन रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। भारत में ऐसा होना हैरान करने वाला है क्योंकि भारतीय समाज में विवाह की अलग ही अहमियत होती है, क्योंकि शुरू से ही शादी को भारत में पार्टनर से एक कमिटमेंट के रूप में देखा गया है। इस स्टडी में शादी के बाद बेवफाई के कई रूपों पर बहुत ही विस्तार से जोर दिया गया है, जिसमें पहले नंबर पर है प्लेटोनिक इंटरेक्शन। आपको बता दें, इस तरह की बेवफाई में शादी से इतर किसी दूसरे इंसान से शारीरिक संबंध बनाना ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भावनात्मक जुड़ाव भी शामिल है। अगर कोई इंसान शादी से इतर दूसरे इंसान के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा है तो इसे बेवफाई माना जाएगा। रिसर्च में देखा गया कि इसमें करीब 46% पुरुष ऐसे ही रिश्तों में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनमें सबसे अधिक कोलकाता के 52% पुरुष शामिल हैं। दूसरा है वर्चुअली फ्लर्ट करना। डिजिटल दुनिया में ऑनलाइन फ्लर्ट बेवफाई का एक कॉमन सा तरीका बन गया है। रिपोर्ट से पता चला है कि 36% महिलाओं और 35% पुरुष को वर्चुअल फ्लर्टिंग करना काफी एंटरटेनिंग लगता है। इसमें देखा गया है कि सबसे अधिक कोच्चि के लोगों ने इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तीसरा है अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ रहने के सपने देखना। जी हाँ, ये काफी हैरान करने वाला है, लेकिन इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस कैटेगरी में करीब 33 से 35% लोग शामिल हैं। लेकिन आज के दौर में यह अब आम सा हो गया है और अपने साथी के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती। आंकड़ों से पता चलता है कि 33% पुरुष और 35% महिलाएं खुलेआम ऐसी कल्पनाएं स्वीकार करती हैं। ये जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताया है वो सब बिल्कुल सच है, लेकिन आज इस मुद्दे पर कोई भी बात नहीं करता। ये सारी बातें चौंकाने वाली जरूर हैं, लेकिन सच हैं, क्योंकि इन बातों को एक स्टडी द्वारा सामने लाया गया है। अब आने वाले समय में ये आंकड़ा कितना बढ़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और यूनिक स्टोरी के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज 24।